हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई हब आप ठीक होगे? मैं भी ठीक हूँ। थोड़ा सा फ़र्क है खांसी में। आज तो वैसे जब मेडिसिन खा लेती हूँ तो पूरा दिन उठा नहीं जाता। पता नहीं मेडिसिन में नशा है कि क्या है। तो सुबह मॉर्निंग टाइम उठी हूँ, कपड़े धो रही हूँ। नन्नू की वर्दी थी ज़्यादा ज़रूरी, तो मुझे धोने पड़ते हैं। तो इस वजह से चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, काम तो करना ही पड़ता है ना। तो कपड़े धोने वाले थे, 2-3 दिन हो गए थे, धोए तीन नहीं थे। तो उठी थी सवेरे सवेरे, सब्ज़ी तो कोई है नहीं थी। मैंने सोचा क्या बनाऊं, तो मैं फिर ना अरबी रखी थी। अरबी मेरे से छीली नहीं जाती, मेरी इन्फेक्शन हो जाती है हाथों में। तो अरबी तो मैंने बनाई नहीं। मैंने नन्नू को बोला, नन्नू कहता मेरा ना दर्द हो रहा है बाँह में, तो मेरे से जाया नहीं जाएगा। मैं कहा नहीं, अभी छुट्टी नहीं दे मिलेगी तेरे को, तो तू काम पर ही जा। तो मैंने ज़बरदस्ती से उसको काम पर भेज दिया। तो घर में आलू रखे थे, तो मैं ना सूखे आलू बनाने की सोची, चल सूखे आलू बना लेती हूँ, और तो कुछ है नहीं है। तो अरबी छीलना मुश्किल हो जाता है। अरबी आंटी आएगी तो उससे छिलवा के फिर बना के दूँगी नन्नू को। मेरे हाथों में इन्फेक्शन हो जाती है जब अरबी छीलती हूँ। तो मैंने सोचा चल पहले कपड़े धो लूँ, पहले कपड़े धो के फिर आलू छील लूँगी मैं। तो अभी तो टाइम पड़ा था नन्नू का जाने का, तो मैं जल्दी उठी थी तो कपड़े धोने लग गई। प्रियांश भी रात को इधर सोया था। रात को मेडिसिन खाई, खांसी थोड़ी कम हो गई। अभी भी खांसी इतनी मेरी ठीक नहीं है, अभी भी गला थोड़ा ख़राब है। तो फिर भी मैंने सोचा चलो उठूँ तो ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा। तो आलू छीलने लग गई मैं सूखे आलू, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। सूखी मेथी मैंने सुखा के रखी थी, हरी मेथी होती है जो मैंने सर्दी में सुखा के रखी थी तोड़ तोड़ के। तो मैं थोड़ी सी डाल देती हूँ तो बहुत अच्छे बनते हैं आलू। तो मैंने सोचा चल आज इसको वही बना के देती हूँ। रोज़ रोज़ सब्ज़ियाँ भी क्या अच्छी लगे, अच्छी नहीं लगती हैं। दाल ये खाता नहीं है, दाल इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो सब्ज़ियाँ सब्ज़ी तो खा लेता है। इकट्ठी सब्ज़ियाँ लेके आई थी, अब ख़त्म होगी खाली, अरबी पड़ी थी। तो कपड़े धो के मैं आलू छीलने लग जाती हूँ। बारीक बारीक आलू टाइम लगता है, छोटे छोटे आलू काटने में छीलने में। तो कपड़े धो के सुखा देती हूँ मैं। उसकी यूनिफॉर्म ना पंखे के नीचे सूख जाती है जल्दी। जब तक इसका जाने का टाइम होता है तब तक तो वो उसकी यूनिफॉर्म सूख जाती है। तो कपड़े धो के, और ज़्यादा कपड़े नहीं धोए मैंने, थोड़े धोए, जितरे जितरे तो धोई नहीं क्योंकि बीमार थी, इस वजह से मैं नहीं धो पाई। और सिर्फ यूनिफॉर्म जो कपड़े पड़े थे, वही जो प्रियांश की यूनिफॉर्म थी वो भी मैंने धो दी थी। इधर पड़ी थी सैचड़े वाली, सैचड़े को ही जाता नहीं है, इधर ही रुक जाता है। और मंडे को वो ही पहनता है। तो मैं इधर से ही धो रही हूँ इसके कपड़े और नन्नों के कपड़े। तो मेडिसिन लेके आई थी, रात भी लेके आई थी मेडिसिन डॉक्टर से। वैसे तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, पर सिर्फ गला ही ख़राब है। गले ख़राब की जो वो दवाई है ना, तो उससे ना नींद आ जाती है जब मैं खाती हूँ। कोल्ड वगैरह सब ठीक हो जाता है। तो आलू छील, एक पास साइड पर मैं आलू लग के छीलने के लिए आलू छील के यही पका के दूँगी इसको। तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आपको पता है मेरे व्यूज डाउन चले गए हैं। मेरा आज वैसे मूड नहीं था वीडियो बनाने का, शूट करने का, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं। जब डॉलर तो कोई आता नहीं है, 1 डॉलर से कौन सा मेरी सैलरी बनेगी। तो बिल्कुल डाउन चला गया, पता नहीं क्या हो गया। आपको क्या देखना पसंद है, जो पसंद है आपको, तो मेरे को कमेंट में करना भी आंटी जी ऐसे वीडियो बनाया करो, आंटी जी ये काम करो। तो मैं वही करूँगी। थोड़ा सा बीमार की वजह से ना वैसे काम ज़्यादा हो नहीं रहा, तो ठीक हो जाऊँगी तो ज़रूर बनाऊँगी। ये तो एक मजबूरी है बस, एक आधी घर बैठी बना लेती हूँ वीडियो। अगर मैं ठीक होगी तो फिर जैसे कंचन के घर चली गई, कुछ पुस्कार के घर चली गई या कहीं और चली गई, तो वीडियो शूट करती रहूँगी। ये तो मैंने सोचा चलो ये रोज़ की एक तो पाई दूँ खाली तो ना जाए, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा बना लेती हूँ। मूड मेरा इतना ख़राब हो गया कि अब सैलरी भी नहीं बनी इस महीने, काम भी नहीं है कोई, लड़के के भी चोट लग गई तो कैसे गुजारा होएगा। एकदम टेंशन से पड़ी रहती है। ऊपर से वहाँ जो किराए पे दिया था वो सामान नहीं उठा रहे, ना आ रहे हैं ना सामान उठा रहे हैं। उन्होंने इन्वर्टर पे फ्रिज लगा रखा था। जब मैं ऊपर गई आज, देखा तो मैं और गगन गए दोनों, देखा तो ऊपर इन्वर्टर पर फ्रिज लगा रखा था। इतने बेवकूफ़ लोग हैं, तार काट के बीच में बाहर की लाइट से जोड़ रखी थी। क्या करूँ, ना तो सामान उठा रहे हैं। अगर पुलिस में केस करती हूँ तो जान पहचान के हैं जो, वो बोलेंगे कि भी ऐसा क्यों करा जो बीच में पड़े हुए हैं। और आज है तीज, तो मैंने सोचा चलो सेवियाँ ही बना लेती हूँ आज। और सब्जी मैं बनाई नहीं, वही आलू ही थे। तो उधर से कंचन भी आ गई थी, वो नाश्ता करके आए थे। मैंने कहा भी चल मैं सेवियाँ बना लेती हूँ, नन्नू भी खा लेगा
तो ये भी खा लेंगे। दो पैकेट लेके आई थी, पहले मैं सोचा एक पैकेट बनाऊँ, फिर एक पैकेट तो कम रह जाएगा। रोस्टर सेवियाँ लेके आई थी, पहले तो मैं ना दूसरी सेवियाँ बनाती होती थी, तो वो मैं इस बार लेके नहीं आई। जो मशीन पे ना तोड़ते हैं ना, बटते हैं ना मशीन से, तो मैं बाज़ार की लेके आ गई। तो ये थोड़ा सा जल्दी भी पक जाती है, क्योंकि तबीयत तो मेरी ठीक नहीं, तो मैं फिर भी बना के दे रही हूँ। मैं कहा चल खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। सेवियों से कहते हैं जुकाम ठीक हो जाता है, खांसी जुकाम, तो वैसे तो आटे की सेवियों से होता है, फिर मैंने तो यही सेवियाँ बना ली। ये जल्दी भी बन जाती है, साथ के साथ मैंने चीनी डाल दी, 10-15 मिनट में ही जैसे मैगी बन जाती है ना, वैसे ये भी रोस्टेड सेवियाँ बन जाती हैं। तो आप ना अगर आपने भी खानी हो तो आ जाओ, ठीक है, सेवियाँ खाने के लिए। मैं तो रोज़ पूछती हूँ, आप तो कोई भी नहीं आते, मेरा पता भी नहीं लेते, कमेंट करने भी छोड़ दिए, और सेवियाँ बन के मेरी रेडी हो गई हैं। देखो इसने भी खानी है, तो आ जाओ, सेवियाँ रेडी हैं जिसका दिल करता हो। और मैं तो ऐसी बनाती हूँ, देख लो आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट में बताना। लो खा के देखो, गगन चक्को खा के दसनी किवें है। चीनू खानी है, मिठा ठीक है, गगन मिठा गरम मांगिए आज मेरे घर दूध नहीं था, सेवियाँ भी मैंने बना ली सूखे दूध की, और दूध गगन को लेने भेजा मैंने, गगन को भेजा मैंने डेयरी पे दूध लेने के लिए, तो डेयरी सब बंद पड़ी थी, 4 बजे अभी डेयरियाँ खुली नहीं है, पता नहीं कितने बजे खोलते हैं। तो मैंने जो सेवियाँ बनाई थी वही दूध रखा था मेरे, तो सूखा, तो मैंने कहा चल चाय भी उससे बना लेती हूँ, आज मजबूरी है कि सवेरे नन्नू ने लिया के नहीं दिया दूध, उठा ही लेट था तो हाथ में दर्द था, कहता मेरे से नहीं जाया जाता, गगन ले आएगा, गगन लेट आया तो दोपहर को डेयरियाँ बंद हो जाती हैं हमारी दूध वाली। तो मैं सूखे दूध की चाय बनाने लगी हूँ, वैसे तो बहुत अच्छी रहती है, हम बाहर रहते थे ना उधर हम सूखे दूध की भी बना लेते थे चाय, जब मैं मलेशिया रहती थी तो चाय टेस्टी बनती है, सेवियाँ भी खीर भी बहुत अच्छी बनती है, लोग तो इसकी बर्फी भी बना लेते थे उधर, कई ऐसे थे ना तमिल हमारे सामने ना सूखे दूध की बर्फी बना लेते थे, तो मैं पूछती थी बर्फी किससे बनाई है, दूध तो इधर मिलता नहीं है, कहते सूखे दूध की, सूखा मिल्क पाउडर होता जो उसकी बनाई है। मैंने कहा ठीक है, आज मैंने सोचा चलो चाय भी बना के देखा, जो तो वधिया बनी है ना चाह, ठीक है पता लगेगा, जो थोड़ी देगी मैं तो थोड़ी दी, ना ना इनू लेके जाई हूँ बस।